अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर सीओ सिटी मुनादी के दौरान ग्रामीणों से बोले कि आपकी गैर जिम्मेदारी से लोग मरे हैं। सीओ सिटी संग्राम सिंह गांव में जहरीली शराब की बिक्री और उत्पादन की पुलिस को सूचना नहीं बोली। इस पर बोले कि कहा पैसे के चक्कर में जहरीली शराब बिकवाते हैं और आप लोग पीते भी हो। सीओ ने कहा शराब पीकर अलीगढ़ में 50 से अधिक लोग मर गए, आपकी गैर जिम्मेदारी से मौत हुई है। सीओ सिटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बुलंदशहर के चोला क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। पहले तुम लोगों के पास मोबाइल में कर लो अपने। 94-44-1552 अभी लिखवा देंगे नंबर। 94-44-1552 मेरा नंबर है। आप 94-44-41-6629 अभी नोट करवा देंगे। नंबर तो स्कूल पे यहाँ सबका एसडीएम साहब का नंबर पूरे स्कूल में लगा हुआ है। मेरा नंबर पूरे गांव में बांट दीजिए। गांव में कहीं भी अगर कोई शराब बेच रहा है तो आप सूचना दीजिए। आप सोचिए इस बात को कि आप ही के बच्चे और बूढ़े लोग मरेंगे। ये लोग दो पैसे कमाने के चक्कर में जहर बिकवाते हैं और आप लोग पीते हो उसको। आप तत्काल सूचना दीजिए यहाँ पर और कार्रवाई होगी। यदि आप सूचना नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने बच्चों की जिंदगी, अपने बड़े बूढ़ों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये दो पैसे के चक्कर में आदमी आ रहा है, बेच रहा है, पता नहीं क्या जहर बेच रहा है आपको। 10 रुपए में कम बेच रहा है लेकिन जहर बेच रहा है। लोग मर रहे हैं। आप लोगों की कीमत इतनी सस्ती नहीं है, जान की कीमत। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, गाँव में कोई भी व्यक्ति यदि शराब लाता है या फिर बेचता है, शराब बेचने का केवल एक ही स्थान है, वो है ठेका। घर से शराब नहीं बिकेगी। घर से शराब बिक रही है इसका मतलब है कि हो सकता है कि वहां पे नकली शराब बिक रही है, उसमें जहर हो। वो आपके बच्चों के लिए, आपके बड़े बूढ़ों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए खतरा है। सूचना दीजिए बेच रहा है। अगर आपको नहीं डर लग रहा है कि हमारा नाम ओपन ना हो जाए तो गोपनीय वीडियो बना लीजिए। गोपनीय हमको नंबर से फोन कर दीजिए। आपका नाम और फोन नंबर गुप्त रखा जाएगा। किसी को ये नहीं बताएंगे किसने सूचना दी और कार्रवाई होगी। इस पर मैं आशा करता हूँ कि अब सब लोग सूचना देंगे। इसी गांव नहीं, आसपास किसी गांव में भी बच रही हो शराब या कोई बेच रहा है घर से, आप तत्काल सूचना दीजिए। कृपया अपनी जान सुरक्षित कीजिए। आप कहिए एक बात समझ लीजिए कि आपको लगता है कि अरे यार वहां तक कौन जाएगा, दुलारा तक, और यहीं पर मिल जाती है।